गुड मॉर्निंग 8th क्लास बेटे, अज असी इतिहास का लैसन नंबर 9 शुरू करन जा रहे हाँ। कित्थे, कदों अते किवें, इहदे विच तुसी देख रहे हो कि इतिहास दे असी 3 काल जिहड़े ने उहनां दी जानकारी लवांगे, पुरातन काल, मध्यकालीन काल ते आधुनिक काल। पर उस तो पहले मैं तुहानूं वर्ल्ड दे मैप ते जरूर लैके जावांगा, क्योंकि धरती दे उत्ते जिन्नियां वी इतिहासिक घटनावां घटियां ने उहनां नूं इतिहासिक तौर दे उत्ते 3 कालां दे विच डिवाइड किया गया है, पुरातन काल, मध्यकालीन काल ते आधुनिक काल। ठीक है, पर दोनों दे विच भारत दे इतिहासिक काल दे विच ते दुनिया दे वर्ल्ड हिस्टरी दे इतिहासिक हिस्टोरिकल पीरियड जिहड़े ने उहनां दे विच फर्क हैगा। पर एंड दे उत्ते पूरी 8वीं क्लास दे विच असी जिस मुल्क दे इतिहास दे उत्ते फोकसिंग करनी है, फोकस करना है, वह मुल्क कोई दूसरा नहीं, वह साडा अपना भारत देश ही है। तो आओ असी लैसन जिहड़ा है वह शुरू करिए। हाँ तो बच्चों, दुनिया जदों की बनी है उदों का ही इतिहास जिहड़ा है उहनूं असी शुरू मनते हाँ कि धरती दे उत्ते जो भी घटित होया उह सारा दा सारा ही इतिहास का हिस्सा है। जिवें कि मैं तुहानूं जिहड़ा लैसन शुरू करवाया सीगा हाउ टू स्टार्ट हिस्टरी, उहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी ना कि कोई भी विशा अजिहा नहीं हैगा जिहनूं असी इतिहास तों परे मन लईए। हुण धरती दे उत्ते जो भी घटित होया है, भावें वह 2 दिन पहले होया है, भावें वह कल होया है, तो भावें लखां साल पहले होया है, वह सारा का सारा इतिहास का ही हिस्सा है। इतिहास नूं असी उसे दे बिना दे उत्ते 3 हिस्सों दे विच डिवाइड करते हाँ, जिन्हों असी एंशियंट हिस्टोरिकल पीरियड कहने हाँ, पुरातन काल, मेडिवियल हिस्टोरिकल पीरियड कहने हाँ, मध्यकालीन काल, मॉडर्न हिस्टोरिकल पीरियड या आधुनिक काल कहने हाँ। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि भारत दे जिहड़े आ 3 काल ने उहनां दे विचकार ते दुनिया दे इतिहास दे जिहड़े आ 3 काल ने उहनां दे विचकार कुछ फर्क है। हुण सब तो पहले तो गल इह आ जांदी है कि असी इतिहासिक काल जिहड़े ने उहनां दी डिवीजन क्यों करते हाँ, इह किवें बंदे ने, की है एंशियंट पीरियड किवें बनिया, मध्यकालीन किवें बनिया। बेटे एक चीज़ असी याद रखनी है, तुसी अपने आप तो शुरू करो कि इंसान अपनी जिंदगी दे विच 3 मुख्य पड़ावों तो गुजरता है। पड़ा केड़े केड़े ने, बचपन, जवानी ते बुढ़ापा। हुण जिहड़ी उहदी बचपन की सोच हुंदी है या उहदे बचपन के जिहड़े काम हुंदे ने उहनां दे विच ते जवानी के कामां दे विच फर्क हुंदा है, घटनावां बदलदियां रहिंदियां ने। जेकर असी बुढ़ापे वल जाइए तो उत्थे इंटायरली फर्क हुंदा है। उस तरीके नाल आपां देखिए ते कुछ समय अजिहे हुंदे ने जिहड़े कि वड्डे पद्धर दे उत्ते किसी मुल्क दे समाज दे उत्ते जिहड़ा है वह इंपैक्ट पाते ने या प्रभाव पाते ने। फिर ध्यान नाल सुनना, जदों कोई विचारधारा, जदों कोई खोज किसी समाज दे एक वड्डे दायरे दे विच परिवर्तन कर दिंदी है ते उन्दे नाल ही आपां कह सकते हाँ कि एक नवां हिस्टोरिकल पीरियड शुरू हो जाता है दुनिया दे विच या किसी मुल्क दे विच। हुण ताइयो तुहानूं मैं कहा कि भारत दे इतिहासिक काल दे जिहड़े काल ने उहनां दे समें दे विच ते दुनिया दे इतिहास दे समें दे विच फर्क है। असीं इहनां नूं डीप तुहाड़ी क्लास के अकॉर्डिंगली थोड़ा जिहा मैं लैके जावांगा कि जिन्ना क असी याद करना है, कि थोड़ा जिहा मैं इत्थों स्टार्ट होवांगा कि दुनिया का जिहड़ा पुरातन काल है वह 3600 BC ईसा पूर्व तो लैके 500 ईस्वी तक चलता है, यानी कि 4100 साल का समा बनता है। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इतिहासिक काल का जल जोड़ कढ़ना होवे ते AD+BC हुंदा है, ठीक है ना, ईसवी ते ईसा पूर्व। हुण इतिहास जिहड़ा है वर्ल्ड का उहदे विच सारे दे विच जिहड़ा मध्यकालीन पीरियड चलता है, हिस्टोरिकल पीरियड चलता है, वह 500 ईस्वी तो लैके 1500 ईस्वी तक चलता है। राइट, नोटिंग लेंदे जाना। आधुनिक काल जिहड़ा है दुनिया का वह 1500 ईस्वी तो लैके ते हुण तक जो भी चल रहा है वह सारा का सारा मॉडर्न हिस्टरी का वर्ल्ड का पार्ट है। हुण असीं इह वेखीए कि साडी मेन फोकसिंग जिहड़ी है वह किहदे ते होनी है।
क्योंकि असी अठवीं दे विच पूरा ही इतिहास जेड़े मुल्क दा पढ़ना है वो मुल्क साड़ा अपना ही है यानी कि इंडिया असी एदा इतिहास पढ़ना है। ठीक है, सो आओ पहले देखिए कि भारत दे जेड़े इतिहासिक काल ने उन्हां दे विच ए पीरियड कित्थों कित्थों शुरू हुंदे ने। हुण पूरा भारत दा पुरातन इतिहास जेड़ा है वो जैन धर्म ते बुद्ध धर्म तो शुरू हुंदा है। हुण एक सवाल इत्थे होर बनदा है कि सर व्हाट अबाउट बिफोर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, कि सर बुद्धिज्म ते जैनिज्म तो पहले दा इतिहास फिर केड़ा है। ओनू साडे भारतीय इतिहास दे विच जिन्नू असी इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता कहने हाँ वो साडा प्री हिस्टोरिक पीरियड चलता है। हुण इत्थे क्वेश्चन आएगा कि उस तो भी पहले दा इतिहास की है ते ओनू असी पत्थर युग विच लैके जाने हाँ स्टोन एज विच लैके जाने हाँ जिहड़ा लिमिटलैस है। स्टोन एज याद करो कि तुसीं छेवीं क्लास दे विच जिहड़ा लैसन पढ़िया सीगा आदि मानव वाला कि पुराना पुरख जिहड़ा है हुण स्टोन एज दे विच की हुंदा है उहदे भी अगो पार्ट्स ने कि अग की खोज हुई पहीए की खोज हुई खेती की खोज हुई। ओके, सो वो सारे पुरातन पत्थर युग का हिस्सा ने। भारत का जिहड़ा एंशियंट पीरियड है वह पुरातन काल जिहड़ा है वह जैन ते बुद्ध धर्म तो शुरू हुंदा है। महाजनपद आणगे उस तो बाद मगध का एक वड्डा राज जिहड़ा है वह एग्जिस्ट करता है वह आंदा है। फिर हिंदुस्तान की धरती दे उत्ते पहला बादशाह पहला किंग पहला शहनशाह पहला सम्राट पैदा हुंदा है जिन्हों असी चंद्रगुप्त मौर्या कहने हाँ। सो जीके नोट कर लेना कि कदों भी कोई पूछे कि भारत की धरती के उत्ते पहला सम्राट कौन सीगा ते वो सीगा चंद्रगुप्त मौर्या। सो इस तो बाद यह मौर्या वंश जिहड़ा है इहदे विच ही अशोक का साम्राज्य आता है। अशोक का साम्राज्य जिहड़ा है वो बहुत विस्तृत सीगा फैलिया सीगा। इहदा पतन किवें होया एनएक्स साडे कोल आ जांदा मौर्या काल का पतन आ जाता है। फिर उस तो बाद साडे कोल गुप्ता काल आ जाता है। फिर उस तो बाद उत्तर गुप्ता पीरियड आ जाता है ते हर्षवर्धन जिहड़ा एक राजा सीगा उहदे काल तक आ के साडा एंशियंट हिस्टोरिक पीरियड जिहड़ा है वह खत्म हो जाता है। यह मैं तुहानूं डिटेल विच वैसे कराया है पर तुसीं इह आपां याद रखना है कि भारत के एंशियंट पीरियड के साडे कोल कि चैप्टर आते हैं। उस तो बाद साडे कोल आ जाता है मध्यकालीन भारत। हुण बेटे मध्यकालीन भारत की शुरुआत कदों हुंदी है, यह हुंदी है 712 ईस्वी दे विच। ठीक है, जदों कि बाहरों हमलावर जिहड़े ने वो हिंदुस्तान दे उत्ते हमले करते हैं। हुण इहदे विच आपां की पढ़ते हाँ, इहदे विच असी मुहम्मद गौरी पढ़ते हाँ, इहदे विच असी दास वंश पढ़ते हाँ, इहदे विच असी खिलजी वंश पढ़ते हाँ, इहदे विच असी तुगलक वंश पढ़ते हाँ, सैयद वंश पढ़ते हाँ, लोधी वंश पढ़ते हाँ, मुगल साम्राज पढ़ते हाँ। तो इत्थे आ के एक गल थोड़ी जी नोट करना कि असी 6 मुगल बादशाह पढ़ते हैं। ओके, 6 मुगल बादशाह केड़े-केड़े सानू पता है कि मुगल साम्राज्य जड़ा उहदी शुरुआत किने कीती बाबर ने। सो बाबर जड़ा है बाबर का बेटा हिमायू, हिमायू का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा उस तो बाद कौन आ गया औरंगजेब। 6 बादशाह 1707 विच औरंगजेब की मौत हो जाती है। तो जो औरंगजेब की मौत होंगी है इस तो बाद की हुंदा है कि हिंदुस्तान दे विच वक्रियां वक्रियां ताकतां जड़ियां ने क्योंकि मुगल साम्राज्य दे विच सारे दे सारे इकट्ठे सन। पर इत्थे आके की फर्क पैंदा, इत्थे आके बहुत सारे हिंदुस्तान दे विच पावर्स जड़ियां ने जिहदे विच असी कहने आ जाट मराठे सिख, ठीक है ना, कबीले, यह सारे दे सारे अपने वक्रे वक्रे जड़े राज ने सुतंत्र होकर स्थापित करना शुरू कर देंगे ने। तुहानूं मैं नोटिंग भी देवांगा उहनूं उहदे विच असी स्पैशली नोट करना है कि जिवें अवध दे विच वक्रे सुतंत्र राज की स्थापना हो गई, बंगाल दे विच वक्रे सुतंत्र राज की स्थापना हो गई, ठीक है, हैदराबाद दे विच वक्रे सुतंत्र राज की स्थापना हो गई। यह मैं तुहानूं नोटिंग देवांगा, वो नोटिंग असी जरूर याद करनी है जिंदे विच टीपू सुल्तान ते उहदा फादर जिहड़ा है हैदर अली, हैदर अली मैसूर राज की स्थापना उहदे विच आ जांदी है। सो यह आपां मिडीवियल इंडियन हिस्टोरिक पीरियड जिहड़ा है उहनूं आपां इत्थों तक लैंदे आ। हुण यह सब तो काम की गल है तुहाडे नाल जिहड़ी संबंधित है जिहदे विच जिहनूं मैं तुहाडे लैके जावांगा कि यह तुहाडा हिस्सा है, इहनां नूं असीं इत्थों तक ही भुल जाइए। हाँ, इहनूं असीं जीके दे तौर पर जनरल नॉलेज के तौर पर जेकर आपां अगों पढ़ना, मैं तुहानूं कहा ना कि कदों कदी भी जदों पढ़ाई नूं असीं बोझ समझदे हां
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕੁਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਕਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 1707 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 240 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 1707 ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਟ, ਮਰਾਠੇ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਏਗਾ, ਡੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂਤਿਆ ਟੋਪੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1707 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1600 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ 1500 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ 240 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਲਵਾਂਗੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਸੀਅਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਬਾਏ।